नमस्कार दोस्तों, बत्रा जी टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस माउस कैसे कनेक्ट या सेटअप करें, क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी लोग सर्च करते हैं जो वायर्ड माउस यूज़ करते हैं कि वायरलेस माउस कैसे कनेक्ट करें। तो ये आपके सामने है वायरलेस माउस और इसके बैक साइड में एक सेल डलता है। और इसके अलावा आजकल के वायरलेस माउस में रिसीवर के लिए कंपार्टमेंट बना होता है। देखिए लॉजिटेक लिखा हुआ है, ये रिसीवर है, इसका सेल डाल दीजिए आप इसमें। मैंने सेल डाल दिया और रिसीवर को बाहर निकाल दिया, जिसे आप लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं ताकि सिग्नल मिले इस माउस को। तो ये लैपटॉप से लगाएंगे, फ़िलहाल इसको करते हैं बंद। और सेल डालने के बाद आप कर दीजिए इसे ऑन। ये देखिए ये बटन है इसका, इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही कुछ माउस में आजकल नोटिफिकेशन एलईडी नोटिफिकेशन दे रखी होती है। आप देखिए ये एलईडी नोटिफिकेशन आगे जलने लग गई है ऑन करते ही। तो जब आप इस माउस को यूज़ नहीं कर रहे होते तब आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। देखिए इस बटन को मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ, ये ऑफ़ हो गया और ये वापस ऑन कर देते हैं इसको। तो ये हो गया है ऑन, और ये आपका वायरलेस माउस है। और अब इसके बाद चलते हैं रिसीवर पर, और रिसीवर को प्लग करेंगे हम अपने लैपटॉप में। तो ये इसका रिसीवर है जिससे सिग्नल जाते हैं इसको, और ये रिसीवर लगाते हैं यूएसबी पोर्ट में। तो ये रहा आपका यूएसबी पोर्ट, और यहाँ मैं लगाता हूँ रिसीवर को। तो ये लग गया है रिसीवर। और आजकल आपको कोई रिसीवर में सीडी से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती सेटअप। ये रिसीवर प्लग एंड प्ले होते हैं, आप जैसे ही लगाएंगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं ड्राइवर्स इसके। तो ये देखिए स्क्रीन पर आ गया है, डिवाइस इज़ रेडी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि माउस कनेक्ट हो गया है, और कर्सर ये देखिए कर्सर मूव करने लग गया है। तो एक माउस आपको लगभग अच्छी क्वालिटी का 500-600 रुपये में आराम से आजकल मिल जाता है। और अगर बात करें बैटरी बैकअप के सेल कितना चल जाता है, तो आराम से सेल चल जाता है। मैंने जो पहली बार माउस खरीदा था तो 3 महीने सेल चल गया था, लेकिन कंपनी क्लेम करती है 1 साल चल जाता है, लेकिन इतना चलेगा नहीं। तो 3 महीने तो आराम से चल जाएगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपके पास वायर्ड माउस है और आपको वायरलेस माउस चाहिए तो बेझिझक लीजिए, काफ़ी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बत्रा जी टेक। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।